हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही टेस्टी और बिना बूंदी बनाए मोती चूर के लड्डू बनाऊंगी, जो कि हलवाई स्टाइल में बनाने वाली हूं मैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, साथ में बहुत ही जूसी बनते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चना दाल 1 कप। इसको हम अच्छे से वॉश करके सोक करने रखेंगे 2-3 आवर्स के लिए। पहले 2-3 आवर्स के लिए ये देखिए सोक हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए हमारी दाल। और अभी इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, इसका बिल्कुल सफ़ेद पानी निकल जाना चाहिए। और एक दो बार हम और अच्छे पानी से इसको वॉश कर लेंगे। अभी स्ट्रेन कर दिया मैंने सारा वाटर, और इसको फिर से एक बार वॉश कर लेंगे। ये हमने वॉश करके स्ट्रेन आउट कर लिया है। अभी हमें इसको ग्राइंड करना है, और ग्राइंड हमें दरदरा सा करना है, कोर्स ग्राइंड करना है, बिल्कुल बारीक बिल्कुल नहीं करना है। तो हम ऐसे धीरे धीरे स्टॉप कर करके मैंने चलाया था। ये देखिए बिल्कुल दरदरा सा है ये। और अभी हम क्या करेंगे, कढ़ाई चढ़ाई है मैंने, उसमें ऑयल डाला है, और इसमें बड़े जैसे बनते हैं ना उस शेप में थोड़ा सा हम डाल के इसको सेक लेंगे। और सेकना हमें उतना है जितने में थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें क्रिस्पी नहीं करना है इनको। ये बहुत ही जल्दी बन के रेडी होते हैं लड्डू, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसमें आपको बूंदी की बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, और इतना इजीली बनते हैं कि ये देखिए हमें ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है। ये थोड़ा सा सिकना स्टार्ट हो गए हैं, बस थोड़ा सा हम एक मिनट तक और इसको सेकेंगे। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना। ये देखिए रेडी हैं, बस इतना ही हमें इस स्टेज तक ही इसको पकाना है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे, और सारे निकाल के हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। ये देखिए बस ये देखिए निकाल लिए हैं। अभी थोड़ा सा ठंडा करेंगे इसको रूम टेम्परेचर पे, कि हम इसको हाथ से टच कर पाएँ। तो ये ठंडा हो रहा है, हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने जितना चना दाल लिया था उतने ही हम चीनी लेंगे। इसमें कढ़ाई चढ़ाई है, और उसमें उससे हाफ पानी डालेंगे, और हमें इसकी एक तार की चाशनी बनाकर रेडी करनी है। बहुत ज़्यादा इसको ठीक नहीं करना है, थोड़ा सा चिपचिपापन आ जाए और एक तार की चाशनी हो जाए। अभी जब तक ये ठंडा हो गया है, हम इसको टुकड़े कर लेते हैं छोटे छोटे, जिससे ये अच्छे से ग्राइंड हो सके। ये देखिए हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, मिक्सर में आसानी रहती है इसको फिर पीसने में। और ठंडा करने के बाद ही ये आपको प्रोसेस करनी है। ये देखिए अभी मैंने एक जार लिया है, उसमें हम डालेंगे, और धीरे धीरे करके इसको ऑन ऑफ करके ही चलाएंगे। इसका बहुत बारीक नहीं बनाना है मैं पाउडर। ये देखिए ब्रेड क्रम्स की तरह ये बनाना है, थोड़ा सा कोर्स ग्राइंड करना है। ये रेडी कर लिया है मैंने, और मेरी चाशनी भी ये ऑलमोस्ट बन के रेडी होने वाली है। हम चेक कर लेते हैं, दोनों हाथ की उंगलियों में रख के आप चेक कीजिएगा। एक तार की चाशनी बननी चाहिए इसमें। और अभी क्या करेंगे, मार्केट जैसा कलर लाने के लिए, क्योंकि मोतीचूर के लड्डू थोड़े ऑरेंज कलर के होते हैं, तो मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है, और थोड़े कलरफुल से अच्छे भी लगते हैं। तो ये चाशनी हमारी रेडी है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने ये मिक्सचर अपना पीस के रखा है ना, ये देखिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ऐसे आपको चेक करना है एक तार की चाशनी, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, जो हमने ये बनाया है अपना सारा जो पीस के रखा था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सारा हम अपना मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे, और इसको चला देंगे, और फ्लेम इसका ऑफ कर देंगे। ये देखिए अभी आपको गीला लग रहा है, बट जब हम लड्डू बनाएंगे थोड़ा सा ये ठंडा होगा, तो ये बहुत ही थोड़ा सा लड्डू बनाने वाला हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। अभी एक पैन लिया है हमने, थोड़ा 1 टेबल स्पून के अराउंड इसमें घी डाला है। तो जो भी आप ड्राई फ्रूट्स प्रेफर करते हैं वो आप डाल लीजिए। मैंने काजू और किशमिश लिया है, इनको थोड़ा सा हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे, थोड़ा सा जस्ट रोस्ट कर लेंगे। और ये सारा जो घी के साथ जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे हम इसमें डाल देंगे। तो इससे बहुत अच्छा बीच बीच में आते हैं खाने में, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे इसको, कि हम हाथ से टच कर पाएँ। ये ठंडा हो चुका है, अभी हम सारे लड्डू इसके बना के रेडी करते हैं। देखिए कितने आराम से ये लड्डू बन रहे हैं, और ये लड्डू आप बिलीव नहीं करेंगे, एक तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, और साथ में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये मार्केट से नहीं आए हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और ना तो बूंदी बनाने की झंझट है, कुछ भी झंझट नहीं है इसमें, ना ही बहुत सारा घी लगा है, कुछ भी नहीं है ऐसा। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मेरी रेसिपी। ये देखिए मैंने सारे लड्डू बना के रेडी कर लिए। अभी मैं इसको गार्निश कर देती हूँ, जो भी है आपको पसंद है। मैं काजू से किया है मैंने,
सारे लड्डू बना के रेडी कर लिए हैं, बहुत ही जूसी रहते हैं अंदर से। सो अगर आपको मेरी ये मोतीचूर की लड्डू की इंस्टेंट रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।